आज मैं आपको बताऊंगा कि एक फ़ोटो पे वाटरमार्क कैसे डालते हैं और वाटरमार्क पहले बनाने का हम तरीका देखेंगे, उसके बाद फिर एक फ़ोटो के ऊपर हम उसके वाटरमार्क्स को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक फ़ोटो को इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ से ये फ़ोटो उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप में इम्पोर्ट कर दिया। अब ये फ़ोटो आ गई, इस पर मैंने यहाँ पर एक वाटरमार्क जो है डालना चाहता हूँ। उसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी वाटरमार्क बनाने के लिए। इसका मैं नाम रख देता हूँ वाटरमार्क। अच्छा, वाटरमार्क की जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, तो बैकग्राउंड सेटिंग में जाके आपने सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वाटरमार्क आपका कितने पिक्सल्स पर आना चाहिए वो आपने यहाँ पर सेटिंग दे देनी है। तो मैंने यहाँ पर जो दिया हुआ है 149 पिक्सल्स पर। अच्छा, विड्थ में आ गया 149 और हाइट में आ गया 50। इसको मैं ओके करूंगा तो एक नई फाइल बन जाएगी। अभी ये जो हमारे पास बैकग्राउंड आया है, ये जो डॉटेड बैकग्राउंड होता है, ये होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका बैकग्राउंड हमारे पास नहीं आएगा। तो अभी जो है मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ और वाटरमार्क के लिए जो है ना, जो भी आपका अपना नाम होगा, किसी जो भी आप वाटरमार्क डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक स्किल्स। ठीक है, ये मैंने टेक स्किल्स का एक जो है टेक्स्ट लिखा जो मैं चाहता हूँ कि मेरी फोटो के बैकग्राउंड पे वाटरमार्क आ जाए। अच्छा, इसका कलर चेंज करने का कुछ तरीका ऐसे कि इसको सेलेक्ट करना यहाँ से इस पे गए और जो भी आपका डिजायर्ड कलर है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद ये चेक साइन पे क्लिक कर देना। अभी ये हमारा एक वाटरमार्क बन गया जिस पे जिसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं है, और क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें चाहिए तो वाटरमार्क के लिए। उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। वाटरमार्क वाली जो फाइल होती है जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .png। तो आपने यहाँ पर देखने जहाँ पे .png लिखा होगा वो फाइल एक्सटेंशन सेलेक्ट करके आपने सेव कर देना। जब सेव किया तो ये देखें, ये यहाँ पर एक जो फाइल आई है उसकी एक्सटेंशन कौन सी है, png। अब इसको मैंने इस वाली फ़ोटो के ऊपर जो है अप्लाई करना है। उसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ से इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है फ़ोटो के ऊपर, और फ़ोटो के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके आपने जितना भी साइज़ आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो Ctrl+T से इसका जो है लेयर सेलेक्ट करके इसका आप रीसाइज़ कर सकते हैं। अब वाटरमार्क के लिए ये होता है कि आपने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी होती है। ठीक है, ओपेसिटी कम करने का तरीका ये है कि यहाँ से लेयर सेलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी पे जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी जितनी आपको रिक्वायर्ड है कम कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर या नीचे शिफ्ट करूँ तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको मैं ऊपर या नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है आप वहाँ पर अपना ये वाटरमार्क डाल सकते हैं। तो ये था तरीका कि हम एक फ़ोटो के ऊपर किस तरह से अपना वाटरमार्क डालेंगे।